ये देखिए हमारा ये स्वीट कॉर्न सूप एकदम रेडी है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा गर्मा गर्म। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। तो दोस्तों सर्दियों का मौसम है और इन सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म सूप पीना किसे पसंद नहीं आता। तो आज हम एक और सूप बना रहे हैं और आज हम बनाएंगे कॉर्न सूप। ये मैंने फ्रोजन कॉर्न लिए हैं और इसका आज हम बनाने वाले हैं एकदम मस्त वाला सूप। तो मैंने यहाँ पर एक कप कॉर्न ले लिए हैं, ये फ्रोजन कॉर्न है, और एक मुट्ठी से थोड़े से कम मैंने ले लिए हैं मिक्सी के जार में, जिन्हें मैं एकदम फाइन पेस्ट बना लूंगी। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं, बाकी की बातें बाद में करते हैं। तो सारे स्वीट कॉर्न हमने एक बर्तन में ले लिए हैं जिसमें हमें बनाना है। इसमें 1.5 गिलास मैंने पानी डाल लिया है और साथ में हम डाल देते हैं जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है स्वीट कॉर्न का वो, और जो बाकी का पानी बचा है वो भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। टोटल मैंने 2 गिलास पानी लिया है इसमें, क्योंकि अभी हमें इसे थोड़ा सा पकाना भी है। ज्यादा देर नहीं पकाना है हमें, इसे थोड़ा सा बनाना है, यानी कि 8 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और डाल देंगे हम इसमें थोड़ी सी कुछ सब्जियां, जैसे मैंने यहाँ पर गाजर ली है 1 चम्मच करीब, और 1 चम्मच ही मैंने ये पत्ता गोभी ली है, और 1/2 चम्मच मैंने ली है अदरक, बारीक बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है ये सारी चीजें मैंने, और मैं थोड़ी सी बीन्स भी डाल देती हूँ। बहुत कम ली है मैंने, 1 से 2 बीन्स। तो सब्जियां हमने ज्यादा इसलिए नहीं ली है क्योंकि हम बना रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप, तो हमें कॉर्न का पूरा फ्लेवर मिले इसलिए हमने सब्जियां बहुत कम कम डाली हैं। और इसका मीठापन उभर कर आए उसके लिए मैं एक थोड़ा बड़ा चम्मच चीनी डाल देती हूँ, और साथ में मैं डाल देती हूँ इसमें व्हाइट पेपर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच लिया है, और इन सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं और हम चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है इसमें पीलापन कम है, कॉर्न हमारे ज्यादा पीले नहीं थे, तो एक चुटकी हल्दी मिला सकते हैं, ज्यादा नहीं बस एक चुटकी। तो चलिए इसको रख देते हैं पकने के लिए। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, नमक हमने डाला नहीं है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं, और बस अब इसको पकने देते हैं। तो सूप में उबाल आ चुका है और ये जो इसमें झाग आ गए हैं इधर उधर, ये झाग हमें बाहर निकाल देने हैं। ये झाग इसलिए आए हैं क्योंकि हमने जो इसकी प्योरी बनाकर डाली थी उसका पल्प जो निकला है स्वीट कॉर्न का, उसकी वजह से ये झाग आते हैं। इन झागों को हमें हटा देना है इस तरीके से, एक बार हटा देंगे हम ये, फिर दोबारा नहीं आएंगे। अब सूप को हमें ज्यादा देर नहीं पकाना है, बस हमें इसको 10 मिनट तक पकाएंगे हम। ये अभी से ही थोड़ा गाढ़ा होने लगा है क्योंकि हमने जो इसमें प्योरी बनाकर डाली थी उसकी वजह से भी गाढ़ा होने लगा है। अगर आप लोग इतना ही पतला पीना चाहते हो तो फिर इसमें कॉर्न फ्लावर ना डालें, और ये एकदम रेडी है। अगर थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए आप लोगों को, गाढ़ा करना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा डाल दें। हमारा पक चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा इसको गाढ़ा करने के लिए अरारोट पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच अरारोट पाउडर लिया है, उसको पानी में घोल लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं और लगातार चलाते रहेंगे। चलाते इसलिए रहेंगे क्योंकि इसमें कहीं लम्स ना पड़ जाए, और एक बार में सारा नहीं डालना हमें, 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल लेना है, और इस तरह से चलाते भी रहना है साथ में। अब कॉर्नफ्लावर डाल के हमें ज्यादा देर तक नहीं पकाना है इसको, बस थोड़ा सा पकाना है जो ये गाढ़ा हो जाए। देखिए गाढ़ा होने लगा है ये, बस 1 मिनट तक और पकाएंगे बस हम इसको। अगर ज्यादा देर पकाएंगे तो फिर इसमें लम्स पड़ जाएंगे और नीचे लगने लगेगा। तो सूप हमारा बनकर एकदम रेडी है। 1 मिनट तक हमने और इसको पका लिया है, ये देखिए बहुत अच्छा सा इसका लुक है और गाढ़ा भी हो चुका है, ये बिल्कुल पीने के लिए एकदम तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच मक्खन, मक्खन को पिघला लेंगे इसमें और उसके बाद फौरन उतार लेंगे। मक्खन डाल के ज्यादा देर नहीं चलाना, पकाना नहीं है हमें इसको, मक्खन पिघल जाए बस इतनी देर तक हमें इसको गैस पर रखना है
क्योंकि अगर ज्यादा पका देंगे तो मक्खन का टेस्ट चला जाएगा, और मक्खन और स्वीट कॉर्न का जो टेस्ट आता है ना, वाओ, बहुत ज्यादा मजेदार होता है। तो दोस्तों ये स्वीट कॉर्न हेल्दी सूप बनकर एकदम तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, गैस कर देते हैं बंद। तो अब सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म कॉर्न सूप। ये देखिए कलर भी इतना अच्छा आया है और एकदम गाढ़ा भी है ये। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अपनी किसी फिर ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।